मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। हम हैं अभी डल झील में, जो कि इंडिया की सबसे प्रसिद्ध लेक है, जिसके बारे में लोगों का सपना, एक सपना होता है कि मैं कश्मीर घूमूं, और हमारा जो सपना है वो पूरा हो रहा है, और मेरे साथ साथ आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पता है कैसे? मेरे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं आपको कश्मीर घुमाने वाला हूँ इस वीडियो में, और बहुत सी चीज़ें दिखाना हो। जैसे आप देख सकते हैं सामने में, ये हाउस बोट है, ये पानी के अंदर में नाव के ऊपर बना हुआ घर है, मैं इसकी छवि भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस खूबसूरत कश्मीर को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको भी मैं दिखा रहा हूँ, और मेरे साथ साथ आप भी घूमेंगे पूरा कश्मीर। यही नहीं, यहाँ से हमारा लेह लद्दाख का प्लान है, और कैसे हम लोग लेह लद्दाख पहुँचते हैं, कौन सी घाटियाँ होके गाड़ियाँ जाती हैं, और किस तरीके से हम लोग पहुँचते हैं, कितने कितने डेंजरस रोड मिलते हैं, कारगिल वार मेमोरियल मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं कारगिल भी आपको घुमाने वाला हूँ। तो कारगिल बहुत से मस्ती कराने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल मेरे साथ इस कश्मीर के दौरे पर रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ बोट हाउस कैसे होते हैं। ये देखिए, जो सामने में देख रहे हैं, ये सारे बोट हाउस हैं। ये बोट हाउस बने हुए, अंदर में बिल्कुल कैसा है, क्या है, वो तो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बोट हाउस होते कैसे हैं। हमने सुना है, फिल्मों में देखा था, और ये देखिए रियल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं बोट हाउस का ये नज़ारा है, खूबसूरत सा। पूरे पानी में बोट के ऊपर घर बने हुए हैं, वहाँ सब मिलेगा आपको, खाना पीना सारा चीज वहाँ पे है। नहीं, दोस्तों, हमारे होटल से जो आप व्यू देख रहे हैं, ये है हमारे होटल से डल लेक का व्यू, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा होगा आपको। और ये देखिए हमारी गाड़ी जो है, एक दो तीन, तीनों यहीं पर पार्क है। अब बिल्कुल हमने डल झील के सामने में ही लिया। हाउस बोट हम लोग को शूट नहीं किया, रात में गए थे हम लोग देखने के लिए, लेकिन उतना बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि एक साथ ना वो तीन कमरे नहीं दे रहे थे, तो फिर हमने होटल। हम लोग जो है अब बोट की सवारी करेंगे। तो आ चुके हैं हम लोग बोट पे, और इसके माध्यम से अब कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हाउस बोट है, जिसका मैंने व्यू आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि हाउस बोट के अंदर में क्या होता है। अभी हम लोग हैं डल लेक में, डल लेक में अब हम लोग लॉट्स लेक, अच्छा ये हाँ लोटस, ये रेड लोटस है, इसे तोल सकते हैं? नहीं, ये अंदर, ये है ना, प्रेम अंदर नहीं जा सकता, जो खड़ा है वो जो लोटस उसके पास जाएगा। ये देखिए लेक के अंदर में ही ये घर बने हुए हैं, देख रहे हैं किस तरीके से घर बनाया गया है, कितना खूबसूरत है। ठीक है, ये देखिए जो हाउस बोट है ना, यहाँ डीप कितना है? 25 फुट। हाँ, तो ये अच्छा, रात में अच्छा, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो अभी तो ये गोल्डन लेक में हम लोग आ चुके हैं सीधा। मैं मोबाइल, ये प्यार बाबा, मैं तीन में भर्ती हो गया था, प्यार बाबा तीन में आता है। अयो, ये तो गुजरात से आता है मोदी का, फेसी का, पता है कहा। ये देखिए दुकान में ना सारी चीजें बिकते हैं, बेचते रहते हैं, यहीं पे आपको शॉपिंग हो जाएगी। क्या है? ये है रामन का सामान। अच्छा, जो कानमाला शेखमाला से आता है ना, वो ये चीज है। अब बैठिए एक मिनट, अजय भाई को दो, अजय भाई का वीडियो करा खाने के टाइम में। थोड़ा यहाँ यहाँ मोड़ो भाई साहब, थोड़ा यहाँ ऐसा वो चाहिए नहीं, क्या सुना पानी नहीं, वो सब नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत से वो नहीं चाहिए, बस खाने का चीज सलाद पलाट होगा तो आ जाए। अच्छा, ये चाहिए अली बुलबुल,
आप थोड़ा आगे लाइए। ये देखिए पानी में कैसे पेमेंट किया जा रहा है, यहाँ भी फोन पे के माध्यम से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। यो मेरा नाम है, कितना हुआ आपका? 200 हो गया। एक आइसक्रीम की कीमत, आइसक्रीम दिखाओ, 50 का, 50 का, ज्यादा भी नहीं है। मेरा नाम अजय भाई। सर अब जाएगा उससे वापस। हाँ ठीक है। आइसक्रीम खा के आपको कैसा लगा? बहुत टेस्टी है। और ये जो लेक में बैठ के और बोट पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने जस्ट इमेजिन। ओ मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। ये देखिए चलता फिरता पानी में रेस्टोरेंट है, हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट के पास में, और यहाँ पे टी कॉफी या जो भी लेना होगा ले सकते हैं हम लोग। हाँ दीजिए, मैगी, मैगी भी है। मैगी खाना? खाना बोले टाइम लगी वो नहीं। वेजिटेबल मैगी एक और टी एक, आपका रोल सर? मैगी ले लेंगे, मैगी ले लेंगे। ये जो आनंद आ रहा है यहाँ पे, आनंद आ रहा है, मैं सोचा नहीं था यहाँ कब आऊँगा, कभी आऊँगा, कि मेरा घूमना, ये देखना, ये सौंदर्य सब देखने के लिए मैं तरस रहा था, मैं सोचा ही नहीं था कब आऊँगे। वाह 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 वा। अभी आ गया, बहुत मज़ा, दिल को पूरा सुकून मिल गया। कितना दिन के लिए? मैं अभी आया हूँ तो हो गया, मतलब तो एक हफ्ता निकल गया हमारा, ऐसे ही निकल गया, हमको पता ही नहीं चल रहा है। और कितना दिन हुआ? और है, और एक हफ्ता है। एक हफ्ता? हाँ। आप कितना आदमी टोटल? हम 7 आदमी। नई छड़ी विदेश मो प्रिय पास। अच्छा उधर आगे जा रहे हैं। मतलब 1000 वाला से 900 डिस्काउंट। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इसके चेहरे पे फिर मुस्कुराहट कैसे आएगा। आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए 300 के बराबर है। आप बोलो कौन सा वाला बनाऊं? इन सभी का बात करने का तरीका अलग होता है, आवाज में इतनी मधुरता होती है कि क्या बताया जाए। 742 किसका आएगा? आपका 620 छोड़ दीजिए। इधर आ जाइए, देता हूँ बीच में। बीच में कहाँ सर? जहाँ पेपर प्लेट में देगा आपको बीच में खाना है, क्योंकि इससे आपका पेट वेट कुछ नहीं पड़ेगा, खाली टेस्ट हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ, मतलब इस लेक के बीच में हम लोग आ गए हैं, और ये देखिए हम लोग आ चुके हैं मैगी और कॉफी टी, और ये फ्रूट चाट बेच रहे हैं, फ्रूट चाट हमें नहीं लेना है। ये हम लोग का चाय और मैगी आ चुका है, और चाय और मैगी का स्वाद लेंगे अब हम लोग। ये मैगी हम लोग का आ चुका है, और लेक के बीच में बैठ के हम लोग मैगी का आनंद लेंगे। ये फ्रूट्स लाए, सारे मत खा जाओ, दो अजय भाई को। हाँ। दो और चल दे। ये आ गया, आ गया, आ गया। अब ये बताइए कि नदी के बीच में फ्रूट सलाद कैसा लग रहा है? एक नाव दे दो ना, एक नाव ये वाला ले ले। हाँ। यही सब है कश्मीर की खूबसूरती। हाँ पुराना प्रॉपर्टी है ना। अच्छा। ये बहुत पुराना, वो जो 14 को बाढ़ आया था वो छत के ऊपर पानी हो गया, पानी था। आप सब कहाँ के चले गए? बर्फ 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 गिरता है इसमें, ये ढील जल जिसमें ये लेक जम जाता है, दिसंबर जनवरी में, दिसंबर जनवरी जब बर्फ गिरेगा तब। मतलब बर्फ अगर हम लोग को देखना हो तो कब आए, कौन सा महीना में? अगर शो के बर्फ देखने दिसंबर में आ रहा है।
दिसंबर में, दिसंबर जनवरी फरवरी। अच्छा दिसंबर जनवरी, तो दोस्तों नेक्स्ट प्लान हम लोग का जनवरी का होगा, जो कि हम लोग आएंगे पूरे बर्फ में, बर्फ बर्फ से उस टाइप से बर्फ बर्फ, और यहाँ से लेह लद्दाख का ट्रिप करेंगे हम लोग। नहीं हो पाएगा उस टाइम। अब हम लोग किनारे पहुँच चुके हैं जहाँ से निकले थे। ये वाला देख, शॉर्ट क्लिप लीजिए ये वाला। अब जो हम लोग की मंडली है वो निकल रही है कारगिल के लिए। यही हमारा होटल था जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, और ये वहाँ से ठीक सामने में लेक व्यू है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है निकल रहे हैं कारगिल के लिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा एपिसोड है यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कि कश्मीर से, श्रीनगर से हम लोग कारगिल कैसे पहुंचते हैं, और दुनिया के मोस्ट डेंजरस रोड से होके हम लोग गुजरेंगे, जो जिला पास से गुजरेंगे, तो उसमें हम लोग किस तरीके से उस चढ़ाई को पार करते हैं, कितने बीच में एडवेंचरस मिलते हैं, और बीच में कई तरह की घाटियां मिलती हैं, कितने टनल मिलते हैं, किस तरीके से हम लोग पहुंचते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं।